वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अभी तक हम लोग सब लोग ऑपरेटर्स ये सब पढ़ लिए, तो अब उसका यूज़ क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दो बेसिक फॉर्मूले आते हैं, ए यूनियन बी नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप जब वेन डायग्राम जब आप ये देखोगे तो देखोगे कि ए अगर ये है बी ये है, तो ए को अगर बी के साथ जोड़ दिया तो ये वाला एरिया दो बार जुड़ गया, तो इसीलिए इस फॉर्मूले में एक बार इसको माइनस किया गया है। वैसे तीन बार के लिए ये एक फॉर्मूला है, तीनों को ऐड करिए फिर तीनों के इंटरसेक्शन को पेयर्स को माइनस करो और एक बार कॉमन तीनों एरिया को ऐड कर दो, तो ये एक फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर, इस वाले फॉर्मूले पर, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देर आर 750 स्पीक हिंदी, 400 स्पीक बंगाली। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, अब आपको पहचानना है। यहाँ बोलेगा नहीं कि ये यूनियन दिया या ये क्या दिया, ये आपको समझना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हिंदी वाले को मैंने एच सेट से दिखा दिया और बंगाली को बी से दिखा दिया। ठीक है, यह आप मान सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि एन ऑफ एच कितना है, तो वो है 750, क्योंकि हिंदी बोलने वालों में ये तो नहीं है ना कि वो बंगाली नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो यानी ये पूरा एरिया होगा 750 वाला। अगर मैं बंगाली की बात करूँ तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ओनली बंगाली, ओनली तो बंगाली है, यानी हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी ये वाला पूरा एरिया, यानी इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन ऑफ बी बोल सकते हैं। अब ये 1000 पीपल हैं तो इसमें या तो वो हिंदी बोल रहे होंगे या तो बंगाली बोल रहे हैं या तो दोनों होंगे, यानी कि ये अगर बात की जाए तो ये क्या है, यूनियन दिया हुआ है आपको कितना 1000, और आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है ये आप देखिए। मतलब ये पूरा एरिया 1000 का है, ये आपका 750 का है, ये 400 का है। ठीक है, तो अब पहला काम तो ये कर लेते हैं कि हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखें। मतलब थर्ड क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, बोथ वाला था तो यानी बोथ वाला यही होगा, हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली, तो यही वाला एरिया है ना जिसमें वो बोथ वाला केस आ रहा है, तो यानी हमें इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन का, देखिए ये यूनियन का फॉर्मूला था, अगर मैं इसको इधर लेते आता हूँ और इसको इधर लेते जाता हूँ तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए प्लस मतलब एन ऑफ हिंदी प्लस एन ऑफ बंगाली माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एन ऑफ हिंदी है 750, एन ऑफ बी है 400 और एन ऑफ ए यूनियन हिंदी यूनियन बंगाली है 1000। तो अगर आपसे बोला जाए कि इंटरसेक्शन कितना आएगा तो ये हो जाएगा 1150 यानी 150, यानी ये वाला एरिया कितना हो गया 150। अच्छा, ये वाला टोटल एरिया कितना है भाई, 750, तो ये एरिया कितना हो जाएगा हिंदी ओनली वाला 600, और ये वाला एरिया बोला है 400 और इसमें सिर्फ 150, तो ये कितना हो गया 250। अब देखिए आपके पास आंसर सभी आ गए, लेकिन आपको लिख के करना होगा। जब आपसे बोला जाएगा स्पीक हिंदी ओनली, तो आप क्या लिखोगे, वही कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, हिंदी ओनली का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है एच माइनस बी। ठीक है, और अगर आपसे बंगाली ओनली मतलब बी माइनस एच, तो ये तो आप अच्छे समझते हो, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वाले का, हिंदी ओनली का 600 और बंगाली ओनली का 250। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ यूनियन इंटरसेक्शन का। तो इसमें अगर 17 क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या दिया, इन अ टाउन पॉपुलेशन कितना है 5000 है और उसमें 2800 जो है वो अमृता बाजार पत्रिका लेते हैं। ठीक है, और 2300 जो है वो इंडियन नेशन पढ़ते हैं और 400 जो है वो बोथ पढ़ते हैं, तो हाउ मेनी रीड नाइदर, ध्यान से देखिएगा, आइदर होता तो यानी यूनियन लेना है, यानी दोनों पढ़ते हैं, यहाँ नाइदर मतलब कोई भी नहीं पढ़ते हैं। तो पहले तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5000 में सभी लोग पढ़ने वाले नहीं है ये न्यूज़पेपर्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, अब हमें मानना पड़ेगा हमें। तो अगर अमृता बाजार को मैं ए बोलता हूँ सेट से और इंडियन को आई से, इंडियन नेशन को, ठीक है, तो ये हो गया 1800, 2800 और ये हो गया 2300। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि 5000 टोटल लोग हैं और भी क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों को पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। ठीक है,
तो चलिए, तो जल्दी से हम लोग इसका ए यूनियन आई निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का यूनियन, मतलब या तो ये या तो ये या तो ये कॉमन, ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमें, और उसको हम 5000 में से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ने वाले लोग, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। तो ए यूनियन आई क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें ये पता करना कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। 5000 में बहुत से लोग हैं जो नहीं पढ़ने वाले, तो पहले हम लोग पढ़ने वालों को निकाल लेते हैं और फिर उसका क्या करेंगे, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है? 5000 है, तो ए यूनियन आई निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आई। तो एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 2800। आई कितना है? 2300। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आई कितना है? 400। ठीक है जी, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये आपका यूनियन आ गया। तो कितने लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? तो इतने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, इस इन दोनों में से कोई एक तो पढ़ ही रहे हैं। तो इसका मतलब कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं? तो 5000 में से इतने को अगर हम माइनस कर दें तो हमें कितने लोग मिल जाएंगे? 300 लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ट्रिपल सेट का कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड दैट 15 टेकन मैथ्स। ओके, लिखते जाते हैं पहले। 25 का सर्वे हुआ, ठीक है, टोटल मान लीजिए 25 लोग थे, जिसमें से 15 लोगों ने क्या किया? मैथ्स लिया है, चलिए एम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। 12 जो है वो फिजिक्स वाले हैं, चलिए पी से दिखा दिया। और 11 जो है वो केमिस्ट्री वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी ये नहीं लिखा कि ये केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स के साथ हो सकता है फिजिक्स पढ़, आप लोग की तरह हूँ, फिजिक्स भी पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी ओनली जहां लिखा रहेगा वहीं आप मानोगे कि केवल ये वो पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको ये मान के चलना कि मैथ वाला फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा होगा, फिजिक्स वाला भी मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा होगा, तो ये आप कुछ कह नहीं सकते अभी। फिर आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री 11 लोग हैं। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 5 जो है वो मैथ और केमिस्ट्री दोनों ले रखे हैं, मतलब इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो 9 जो है वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन है, कॉमन वाली बात है ना। मैथ्स में भी होंगे और यूनियन नहीं होगा, या वाला केस नहीं है, या मैथ में या फिजिक्स में, ऐसा तो बोल नहीं रहा, एंड बोल रहा है। मैंने बोला था कि एंड जहां पे भी आएगा वहां आप इंटरसेक्शन लोगे आंख बंद करके, और जहां पे भी आएगा और वहां आप यूनियन लोगे। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 4 जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं, और 3 हैड टेकन ऑल सब्जेक्ट। 3 जो है वो तीनों सब्जेक्ट ले लिए हैं भाई साहब, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप लोगों के लिए तरह एकदम तेज है बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? फाइन, क्वेश्चंस क्या क्या हैं आप पहले ये देखते हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि ओनली केमिस्ट्री वालों को बताना है, ओनली मैथ्स वालों को बताना है, ओनली फिजिक्स वालों को। चलिए वो तो बात की बात है, पहले हम इसके अप्रोच सीखेंगे कि करना कैसे है। तो देखिए कैसे करना है, आप बनाओगे इसका वेन डायग्राम। इसमें 3 सेट आएंगे, ठीक है। 3 क्या क्या सेट हैं? पहला मान लीजिए मैंने इस वाले को मैथ मान लिया, इसको फिजिक्स मान लिया, इसको केमिस्ट्री मान लिया। अब एरिया समझ लेते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया एरिया को, ये है ए एरिया, ये है बी एरिया, ये है सी एरिया, ये मान लीजिए डी एरिया है, ये ई एरिया है, ये एफ और ये जी। ए एरिया ये वाला एरिया है, ठीक है। डी एरिया ये वाला एरिया, इसको छोड़कर ई एरिया ये वाला है, एफ वाला ये वाला है, और बी वाला इसको, मतलब इन सभी को निकाल दो तो जो बचेगा पी में वो हो जाएगा बी, और ऐसे ही सी। तो अगर बोला जाए कि केमिस्ट्री केवल पढ़ने वाले कौन है, तो आप बस सी का आंसर बता दोगे, सी की जो वैल्यू, स्मॉल सी की जो वैल्यू आएगी वही आपका। अगर आपसे फिजिक्स का बोला जाए तो आप बस बी का वैल्यू बताओगे, क्योंकि बी ही वाला जो एरिया है जिसमें और कुछ नहीं आ रहा है, यही तो जो एरिया है, ये वाला जो एरिया अगर आप देखो तो इसी में ना बस वो ऐसे लड़के हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये वाला एरिया में तो मैथ और फिजिक्स दोनों आ जा रहा है इस वाले एरिया में,
इस वाले एरिया में तीनों वाला एरिया है। ये अगर आप एरिया देखो तो देखो इसमें मैथ वाले भी हैं, फिजिक्स वाले भी हैं और केमिस्ट्री वाले भी हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए सेवन वेरिएबल्स हैं और सेवन वेरिएबल्स हैं और सेवन क्लूज आपको दिए हुए हैं। तो आपको सेवन वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले पहला क्लू दिया है कि मैथ्स वाले जो हैं वो 15 है, तो मैथ्स वाले तो ये पूरे हो जाएंगे। तो ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी वाले कितने हैं? 15 है। ये है हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि फिजिक्स वाले कितने हैं भाई, तो फिजिक्स वाले हैं 12, तो फिजिक्स वाले 12 हो गए। तो 12 वाले, 12 के लिए आप देखिए एरिया कौन सा है यहाँ पे वेन डायग्राम से, बी डी जी एफ, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ये हो गया फिजिक्स। ऐसे ही आप केमिस्ट्री का देख लो, ये वाला एरिया हो गया सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये हो गया 11, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। अब आपसे बोला जा रहा है एम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 है, तो यही वाला जो एरिया है ना मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन है। अभी के लिए आप फिजिक्स को भूल जाओ, तो ये वाला एरिया तो इंटरसेक्शन का आएगा। तो अगर मैं बोलूं तो ई प्लस जी क्या है, 5 के बराबर है या नहीं है? सिमिलरली अगर आप मैथ और फिजिक्स की बात करो तो इसमें कॉमन क्या है, डी प्लस जी। तो यहां पे आ जाएगा डी प्लस जी इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 5th इक्वेशन। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जी प्लस एफ हो जाएगा, ये है 4, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट तीनों का कॉमन बोल रहा है, तीनों का कॉमन वाला एरिया तो बस एक ही है और तो कोई एरिया है नहीं, तो यानी जी की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी, 3, ठीक है। ये आपके पास डेटा दिए गए थे। अब आपको करना क्या, इस तरह ये है आपका 7th इक्वेशन, आपको करना क्या, इधर से आपको स्टार्ट करते जाना और वैल्यूज फाइंड करते जाना। तो देखिए g की वैल्यू इसमें पुट करिए तो आपको f का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, f कितना आ गया, g यहां पुट किया तो f की वैल्यू आ गई 1। अब आप क्या करो, g फिर यहां पुट करो, तो g की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 यहां पुट किया तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। अच्छा अब आपको g की वैल्यू फिर यहां पुट कर दो तो आपको e की वैल्यू मिल जाएगी, तो e की वैल्यू कितनी है भाई, 2, 5 माइनस 3, ठीक है। ये आपको 4 वेरिएबल मिल गए, 3 वेरिएबल और आपको यहां से मिलेंगे। तो देखिए ई जी, ई और जी और डी तीनों की वैल्यू हमें पता है, तो ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो देखिए अगर हम यहां से सॉल्व करें तो ए की वैल्यू आ जा रही है, डी की वैल्यू थी 6, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, और जी की वैल्यू थी 3 11, ये 11 इधर चला गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे पुट कर दीजिए, b प्लस d की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू, d की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 है, और e की, g की वैल्यू है 3 और f की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये हो गया टोटल 10, 10 इधर गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। और लास्ट अब बचा आपके पास c, c निकालने को बचा है, तो c कैसे निकलेगा, वो भी यहां से निकल जाएगा। देखिए या तो आप डायरेक्ट यहां से जी प्लस एफ की वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए तो ये 4 हो जाएगा, और ई की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 4 प्लस 6 5, यानी सी की वैल्यू आ गई 5। सभी वेरिएबल्स आ चुके हैं, तो अब हम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सीधा बस अब आंसर पे चलेंगे। हमें अब बस मुझे यही देखना है और डायग्राम भी देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन था क्या और क्या क्या पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन यही था कि पहला क्वेश्चन था कि ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हो जाएंगे, यही वाला एरिया था, यानी सी की वैल्यू कितनी है भाई। अगर ओनली केमिस्ट्री की बात की जाए तो मैं पहले एक बार फिल कर लेता हूं, ए की वैल्यू थी 4, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5, ठीक है। बाकी वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, डी की वैल्यू है 6, ई की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू आई है 3, ठीक है। अब सभी वैल्यूज हमारे पास हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे देखते हैं। तो ओनली केमिस्ट्री ये वाला एरिया, यानी आंसर इज
फाइव, दूसरा पार्ट ओनली मैथ्स फोर, ये वाला एरिया. अच्छा ओनली फिजिक्स, ये वाला एरिया टू, आंसर इज टू. फोर्थ क्वेश्चन है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ्स ना हो, तो ये वाला एरिया जो है इसमें क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है लेकिन इसमें मैथ्स है इस वाले एरिया में. तो अगर हम इस फिजिक्स केमिस्ट्री में से ये जी वाला एरिया हटा लें, मतलब अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो जी प्लस एफ होगा, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में से हमको मैथ नहीं रखना है तो ये वाला एरिया हमें हटाना पड़ेगा, यही एरिया है मैथ्स का. तो यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, एफ की वैल्यू पूछी जा रही है फोर्थ पार्ट में. तो एफ की वैल्यू कितनी है भाई, वन. तो ऐसे लोग कैसे, कितने लोग हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए लेकिन मैथ्स नहीं लिए हैं, वो है केवल एक. ठीक है, ऐसे ही फिर पांचवा क्वेश्चन है, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. मैथ और फिजिक्स लिया है उन्होंने लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया, तो डी की वैल्यू पूछी जा रही है. तो डी की वैल्यू कितनी है भाई, सिक्स. छठवां पार्ट देखिए, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं. तो ये बताइए केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन से हैं. एक तो ये हो गया, या तो मैथ ओनली, फिजिक्स ओनली, और तो टोटल कितने हो गए केवल वो पढ़ने वाले, चार ये हो गए, दो ये हो गए और पांच ये हो गए. तो टोटल कितने लोग हैं केवल अलग अलग पढ़ने वाले, सिक्स प्लस फाइव इलेवन. तो टोटल कितने हो गए, इलेवन, जो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई वन ऑफ द सब्जेक्ट ओनली. लैंग्वेज आपको ध्यान से समझना है, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट. ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपसे यूनियन पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे पूरा यूनियन पूछा जा रहा है. तो यूनियन मतलब आप पूरे एरिया को जोड़ के बता दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस पूरा जोड़ के बताइए. तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 11 हो गया, उसमें डी जोड़ा तो 17 हो गया, 17 में ई को जोड़ा तो 19 हो गया, 19 प्लस 3 क्या हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया, और एफ जोड़ा तो 23. तो आपका आंसर हो गया 23. ठीक है, तो इतने लोग हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट लिए हैं, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट. अगर आपसे बोला जाए कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना, तो ये कौन सा केस हो गया, एम यूनियन पी यूनियन सी आपसे पूछा जा रहा था. अब आपसे पूछा जा रहा है लास्ट पार्ट की नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, मतलब तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं. देखिए टोटल लोग 25 थे, अब आपने ये यूनियन निकाल लिया, यानी ये लोग हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं. तो यानी कितने लोग हुए जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो 25 माइनस 23 यानी आंसर इज 2. तो आई होप इस क्वेश्चन में आप लगभग सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे. एक क्वेश्चन हम लोग पावर सेट से कर लेते हैं, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है. तो पहले तो पावर सेट में कैसे कार्डिनल नंबर निकालते हैं आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं. मान लीजिए कि कार्डिनल नंबर ये दिया हुआ, ए सेट का 2 है, बी सेट का 3 है और सी सेट का 4 है. पावर पी एक्स मतलब पावर सेट ऑफ, या पावर सेट मतलब सबसेट्स का जो सेट बनता है. ए सेट का सबसेट कितना बनेगा, 2 पावर 2, यानी 4 सबसेट बनेंगे इसके. इसके 8 बनेंगे, 2 पावर 4 इसका बनेगा, 16 बनेगा. तो जितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, उसका जो सेट बनेगा वो हो जाएगा. तो अगर मैं बोलूं कि पावर सेट ऑफ सी के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 2 पावर 4. जितना इसके सबसेट होंगे वही इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा. अब बोल रहा है कि इसका भी पावर सेट ले लो, समझ रहे हैं आप, मतलब इसका भी पावर सेट ले लो. तो अगर ये 2, ये अगर 16 हो गया, ठीक है, 16 बोल सकते हैं इसको. तो अगर इसका भी पावर सेट लिया जाए तो अब इसका कितना सबसेट होगा, 2 पावर 16, क्योंकि इस सेट का ये पावर सेट है. क्यों, तो अगर मैं बोलूं कि कार्डिनल नंबर इसका कितना होगा इस पावर सेट का, तो ये इतना हो जाएगा, 2 पावर 16. समझ में आया आपको. ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि पी ऑफ ए, देखिए ए का कार्डिनल नंबर दिया हुआ 2, तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसका कार्डिनल नंबर देखा जाए तो 2 पावर 2 यानी 4. अब बोला जा रहा है कि उसका भी पावर सेट ले लो, उसका कार्डिनल नंबर बताओ मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पावर 4. सिंपल फॉर्मूला है, तो उसका कार्डिनल नंबर ये हो गया. ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है किसका, ये वाला पी बी.
तो पीबी अगर आपको बताना हो तो पीबी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितना इसके सबसेट होंगे, तो कितने हैं भाई, 2 पावर 3 यानी 8। अब अगर मैं पी ऑफ पीबी बोलूं तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, तो जितने इसके इसका भी सबसेट यानी 2 पावर 8 बोल सकते हैं। सिंपल है। अब आपसे पूछा है क्या, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपसे पूछा ये गया है कि ये सभी वैल्यू को पुट करके आप के की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देख लीजिए मैं पुट करने जा रहा हूं, पी ऑफ सी कितना था, 16 था, 2 पावर 16 था, तो 2 पावर 16 मैंने ऊपर लिख दिया। देखिए पी ऑफ ए का कार्डिनल नंबर कितना था, 2 पावर 4 था, और पी ऑफ बी का कितना था, देखिए 2 पावर 8 था, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये देखिए कितना आ रहा है, 2 पावर 12 आ रहा है। ये पावर ऐड हो जाएंगे सेम बेस है, अब सेम बेस है तो इसके पावर माइनस हो जाते हैं डिवीजन में, तो 2 पावर 16 माइनस 12 यानी 2 पावर 4 यानी कितना आ गया, 16। तो अगर पावर सेट यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अगर ये असल में ये इंटीजर टाइप में आया था तो उसमें पूछा था कि जो सम ऑफ डिजिट्स बताइए, किसका, के का सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 यानी 7। तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो ये बहुत ही बेसिक पावर सेट पे क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आऊंगा। थैंक यू। तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल पार्ट मैंने लगभग सभी कवर कर लिया है, बाकी आप क्वेश्चंस लगाइए और पूछिएगा।